नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। जैसे कि हम बोर्ड पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन, तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द होगी। ठीक है, अब यही टॉपिक क्यों हमने चुना है, ध्यान से देखिए। जब भी हम SSC कैंडिडेट से बात करते हैं, भले ही वो छात्र CGL की तैयारी कर रहा हो, CHSL की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो MTS की तैयारी कर रहा हो, सभी का एक रोना तो जरूर है। और वो रोना क्या है, सर जब भी हम सिंप्लीफिकेशन या बेसिक एलजेब्रा के प्रश्न करते हैं तो घर पे तो बन जाते हैं तैयारी करते करते, बट जब भी हम मॉक देते हैं, जब भी हम पेपर में बैठते हैं, तो ये चीजें डाउट लाती है और आसानी से बनती नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो वो समझने की कोशिश करिए। बेसिक एलजेब्रा में जब भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो अधिकांश टाइम क्या होता है कि हम इनको रट लेते हैं या सिर्फ महज याद कर लेते हैं। अब जब याद कर लेते हैं, हमारे पास ये नोट्स में रहती है, तब तो घर में बनना बहुत ही लाजमी सी बात है। यहां से प्रॉपर्टी देखी, क्वेश्चन को पहचाना और 3-4 बार अप्लाई करके देखा, एक ना एक बार लग जाती है। तो यहाँ पे हमारा दिमाग समय के साथ नहीं चलता, ठीक है। पर जब हम पेपर में जाते हैं, यहाँ पे घड़ी चलती रहती है, तो उतना समय नहीं होता है। तो हमारा दिमाग हमें ही परेशान करता है, कंफ्यूजन में लाता है कि यार वो प्रॉपर्टी में यहाँ प्लस था कि माइनस था, कंफ्यूजन होता है आपको। तो उस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अगर चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के ऊपर हम ध्यान देंगे तो, ठीक है, समझने के ऊपर ध्यान देंगे, यानी कि अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और ये कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका, मैं आपको कुछ ट्रिक्स दिखाता हूं और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और ये क्वेश्चंस ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे कि मैंने कहीं से ले लिए, नहीं, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे। अमूमन इसमें ज्यादा क्वेश्चन CGL के लिए होंगे, कुछ क्वेश्चन CHSL के भी आपको मिल जाएंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज को कैसे समझ के इंप्लीमेंट करना है, ये अभी हम सीखते हैं। तो चलिए आ जाइए स्लाइड पे जल्दी जल्दी। बेसिक प्रॉपर्टीज देखिए, दो किस्म की प्रॉपर्टी होती है, एक तो वर्ग वाली यानी कि स्क्वायर, और दूसरी होगी घन वाली यानी कि क्यूब। अब यहां पे देखिए क्या क्या चीजें हमें देखनी है। स्क्वायर की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बहुत आसान है, ये हम सभी को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सारा कुछ प्लस में आ जाता है। जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। मैं बताऊंगा कि b का जब हम वर्ग ले रहे हैं तो ये प्लस में क्यों आएगा, मैं सब बताऊंगा, ध्यान से देखिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो स्क्वायर के हमसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब बात जो रही ये वाली कि सर यहां माइनस है तो यहां पे प्लस क्यों आ रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बनकर गया है, ध्यान से देखिएगा। कभी भी वर्ग जो होगा, कभी भी वर्ग जो होगा वो हमेशा या तो जीरो या उससे बड़ा होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, देखिए आप ये एक नंबर लाइन मान लीजिए, यहां ये अगर जीरो है, ठीक है, इस तरफ क्या होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव संख्या आएंगी यानी कि 1, 2 इस तरह की, और इस तरफ जीरो से घटते हुए इस तरफ हम आएंगे तो कौन सी संख्या दिखेंगी, नेगेटिव यानी कि -1, -2 इस तरह की। अब आप सोचिए 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, ठीक है। -1 का वर्ग क्या होगा, -1 का वर्ग क्या होगा, -1 का वर्ग होगा 1, क्यों, -1 × -1, माइनस और माइनस कितना हो जाता है 1। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि -2 का वर्ग कितना होगा, 4। अब कुछ चीजें आपको दिख रही हैं, यानी कि जब मैं जीरो से इस तरफ जा रहा हूं, राइट साइड जा रहा हूं यानी कि दाई तरफ जा रहा हूं, पॉजिटिव संख्याओं का वर्ग ले रहा हूं, तब तो ये बढ़ते हुए क्रम में दिख रही है। पर जब मैं जीरो से नीचे आ रहा हूं यानी कि आप समझिए कि मैं लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं, बाई तरफ आ रहा हूं, नेगेटिव संख्याओं की तरफ आ रहा हूं, तब भी मैं जो उनके वर्ग ले रहा हूं वो मुझे बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे दिख रहा है सिर्फ जीरो ही इकलौता ऐसा नंबर है जिसका वर्ग जीरो होगा, और पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर हर किसी का वर्ग आप देखेंगे जीरो से बड़ा ही है, हर किसी का वर्ग देखेंगे जीरो से बड़ा ही है। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि किसी भी नंबर का या किसी भी संख्या का आप जब वर्ग लेंगे तो वो या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी ही होगी, ये उसके पीछे का लॉजिक है, ये उसके पीछे का तर्क है।
ठीक है, तो भले वो संख्या नेगेटिव हो पर जब हम उसका वर्ग लेने लगेंगे तो वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। भले ही संख्या नेगेटिव हो जब हम वर्ग लेंगे तो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, बहुत बेसिक सी चीज है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब ये जीरो कब होगी, तभी जीरो होगी अगर एक्स जीरो है, यानी कि संख्या खुद जीरो होगी तभी उसका वर्ग जीरो होगा, इसके अलावा वो हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, इसके अलावा वो हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा। तो अगर ये चीजें पता है हमें, पॉज करके आप यहां पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, फिर मैं आगे आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताने के बाद आप क्यूब की प्रॉपर्टीज कुछ बताता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्यूब में भी प्रॉपर्टीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, बहुत ही आसान तरीके से, प्लस है तो सब प्लस में आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब, बी माइनस में, घन माइनस में हो सकता है, मैं बता रहा हूं क्यूब, माइनस क्यूब। ठीक है, बी माइनस में है तो यहां पे भी बी माइनस में आ जाएगा, जी आसान है। यानी कि जहां पे प्लस था बी, हमने बी को माइनस से रिप्लेस कर दिया, हमारी ये प्रॉपर्टी बन गई। तो एक प्रॉपर्टी से दूसरी खुद ब खुद आ जाएगी। अब घन क्यों माइनस होता है, ध्यान से देखिए, अगर मैं माइनस एक का घन निकालू यानी कि क्यूब निकालू तो वो क्या होगा, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, यानी कि माइनस माइनस तो एक बार प्लस दे देगा, पर ये वाला प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तब तो माइनस ही आएगा। तो घन नेगेटिव हो सकता है, घन जीरो से कम हो सकता है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद दो और प्रॉपर्टी में लिखूंगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा रटने लगता है, देखिए क्यों रटता है, मैं ऐसा लिखता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बच्चा बोलता है सर ये चीज से ये कैसे आया, अभी तक तो आपने ये लिखा था तब तक बातें ठीक थी, पर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, मैं और परेशान करता हूं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आपको किताबें या बहुत सारे लोग रटा देंगे, देखिए यहां प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा, फिर वही सेम चीज यहां पे नहीं दोहराई जाती है तो बच्चा जाहिर सी बात है कंफ्यूजन का शिकार होगा। ठीक है, क्योंकि कभी प्लस को माइनस से रिप्लेस कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, तो वो रटने के अंदर हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, जैसा साइन है हम वैसा चलेंगे, जैसा साइन है हम वैसा चलेंगे। तो यहां पर हम कैसे ध्यान में रखें कि क्या आएगा, बहुत ही आसान है, ध्यान से सिर्फ दो मिनट समय दीजिएगा। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखता हूं a प्लस बी होल क्यूब को, अगर मैं यहां से एक चीज लिखने की कोशिश करूं, ध्यान से देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब को एक ही तरफ रहने देता हूं और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ लेकर चले जाता हूं, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहां ये चीज प्लस में उस तरफ आएगी, माइनस हो गई, माइनस बी ए बी ए प्लस बी, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, यहां पर ए प्लस बी कॉमन है तो ए प्लस बी को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहां तीन बार a प्लस बी था, एक बाहर ले लिया, कितने बार बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। यहां से क्या बचेगा, माइनस थ्री ए बी। अब ध्यान से देखिए, ये चीज से आप बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने समझा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये एक माइनस थ्री ए बी। तो क्या दो ए बी से तीन ए बी हम घटाएंगे तो हमें एक माइनस की ए बी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, तो वही माइनस की ए बी यहां पर दिखती है, वही माइनस की ए बी हमें यहां पे दिखती है, अगर देखने की कोशिश करेंगे तो वही माइनस की ए बी हमें दिखती है। तो रटना नहीं है, अगर ये चीज आपको पता है कि कैसे निकाली जाती है तो आप इतना अभ्यास करेंगे कि आप सीधा ये लिख सकें बिना घबराए। अब यही चीज अगर मुझे करनी है माइनस के साथ तो हम कैसे करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए यहां से ए क्यूब और माइनस बी क्यूब को इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको उस तरफ भेज दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा आपका ए माइनस बी होल क्यूब और आ जाएगा यहां पे प्लस, क्योंकि यहां पे अभी देखिए माइनस में था ये, इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। अब यहां से ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके साथ क्या बचेगा यहां पर, प्लस थ्री ए बी प्लस 3ab। तो अब आप देखिए ये कैसे लिख सकते हैं आप, ये बहुत आसान हो जाएगा, a माइनस बी बाहर ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी।
अब माइनस टू ए बी पे तीन ए बी जुड़ जाएगी तो कितनी मिलेगी, प्लस की एक ए बी मिलेगी, उसी को लिखना है यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए ए बी। इसीलिए ये चीज अब आपको ऐसी दिख, तो इसके पीछे की अगर सोच को हम समझ जाते हैं तब तो हमारे लिए ये रटने वाली बात नहीं होती है, समझने वाली बात हो जाती है। समझने के लिए आपको ध्यान देना है कि ये प्रॉपर्टी निकल कैसे रही है, बन कैसे रही है। अब आपको पता है तो आप हमेशा इनको डायरेक्टली भी लिख पाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि हो क्या रहा है। अगर फंसते हैं तो भी आपको पता है कि उस रास्ते से निकलना कैसे, ये जरूरी है जानना। तो एक दो तीन चार, प्रीवियस वाली स्लाइड में अपन ने तीन देखी थी, यहाँ पे चार देखी है, एक दो तीन, यहाँ पे हमने चार देख ली, ठीक है। तो और दिखाऊंगा मैं, बस उसके बाद हम सीधा प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने बात की ए और बी थे, पर जरूरी है कि हमेशा ए और बी रहेगा, नहीं, ए बी और सी भी दिख सकते हैं। यानी कि ध्यान से देखिए, एक तो इनके स्क्वायर में यानी कि वर्ग में प्रॉपर्टी बनेगी, वो कैसी है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सब प्लस में है तो सारा कुछ यहाँ पे प्लस में आप डाल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, बात खत्म, ठीक। अब देखिए, क्यूब में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझ के आगे ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके आधार पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन करता है उसको ऐसे वाले प्रश्न बनाने बहुत पसंद है, तो ऐसे प्रश्न वो आपको दे सकता है। अब इसी में ही बच्चे रट लेते हैं कि सर एक प्रॉपर्टी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी था कि जीरो होता है, पता नहीं सर कुछ तो ऐसा था। तो देखिए, पहले तो शांत हो जाइए, अगर ये चीज हमें पता है, ठीक है, और अब मैं यहां पे कह दूं इफ, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो, आप दिमाग लगाइए, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो की आप किसी से भी गुणा कर लीजिए, जीरो ही मिलेगा आपको आखिरकार, बिल्कुल। अगर ए प्लस बी प्लस सी ही खुद जीरो होने लगेगा तो ये पूरा जो आरएचएस में पार्ट है यानी कि जो भी दाईं तरफ पूरा हिस्सा है वो खुद क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि इज इक्वल टू टू में क्या आ जाएगा, जीरो। तो चीज क्या बनेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जीरो होता है। इसी को कुछ लोग फैंसी करके ऐसे भी लिख देते हैं कि तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां माइनस में उधर ले आइए थ्री ए बी सी। तो रटने की बात नहीं है, समझने की बात है कि ये ऐसा आ क्यों रहा है। तो अगर इतनी चीजें हमें पता है तब तो हमारे लिए हर प्रश्न यहाँ पे बहुत आसानी से बनता हुआ चले जाएगा। तो आई होप इतने पॉइंट क्लियर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इन सारी चीजों को पॉज करके, ठीक है, समझने आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते थे, माफ करिएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपको दिया है, a माइनस वन का स्क्वायर प्लस b प्लस टू का स्क्वायर प्लस c माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर जीरो है, सबका जोड़ अगर जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज जीरो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कब पूछा गया है ये अगर हम देखेंगे, CHSL 6 जून 2021 का है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ लिखा है ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस वन का होल स्क्वायर जीरो। आप सोचिए कि वर्ग कभी भी किसी चीज का या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। अगर तो ये चीज जीरो से बड़ी होगी, समझने की कोशिश करिएगा, ये भी जीरो से बड़ी होगी, ये भी जीरो से बड़ी होगी, जीरो से बड़ी संख्या का जोड़ जीरो से बड़ी संख्या का जोड़ से जीरो की बड़ी से संख्या के जोड़ से करेंगे, यानी कि जीरो से बड़ा जीरो से बड़ा जीरो से बड़ा कुछ भी ऐसा हम जोड़ेंगे तो क्या आपको कभी जीरो मिलेगा। मतलब मैं बोल रहा हूं, आप दो किलो तीन किलो चार किलो जोड़ते जाइए तो आपको कुछ बड़ा नंबर मिलेगा, आपको कुछ बड़ा नंबर मिलेगा, ना कि जीरो मिलेगा। तो यहां पे क्या हो सकता है, एक ही कंडीशन हो सकती है कि ये अगर ग्रेटर देन जीरो हो रहे हैं तब तो मेरे लिए यहां बात बन नहीं रही है, क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ी बड़ी संख्याएं जुड़ते जाएंगी, बड़ा नंबर बना लेंगी, तो मेरे पास आरएचएस में जीरो आएगा नहीं। तो ग्रेटर देन वाली तो कंडीशन गलत हो गई। तो कंडीशन कौन सी सही होगी, कि ये जीरो ही हो,
यानी कि ये खुद भी जीरो हो, ये भी जीरो रहा हो और ये भी जीरो रहा हो, तभी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जीरो का जोड़ जीरो से ही आपको जीरो दे पाएगा। अब अगर a माइनस वन खुद जीरो है तो a कितना होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए। b प्लस टू अगर जीरो है तो b कितना होना चाहिए, माइनस टू के बराबर होना चाहिए। c माइनस वन अगर जीरो है तो c किसके बराबर होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन, बी स्क्वायर यानी कि माइनस टू का स्क्वायर फोर, सी स्क्वायर यानी कि वन, इसका सम कितना होगा, छह। बताइए बिना लिखे आप बहुत ज्यादा कुछ इसको कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर लॉजिक हमारा क्लियर है, अगर लॉजिक हमारा क्लियर है तो ये वाले प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं बहुत आसानी से बनते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a माइनस वन को जीरो लिखेंगे तो a वन आ जाएगा, b प्लस टू को आप जीरो लिखेंगे तो b माइनस टू आ जाएगा, c माइनस वन को जीरो लिखेंगे c वन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब देखिए ये 7.03 का होल क्यूब माइनस 0.027, नीचे 7.03 का स्क्वायर प्लस 2.109 प्लस 0.3 का स्क्वायर, ये आपका सीजीएल 21 अप्रैल 2021 का प्रश्न है। अब ईमानदारी से बताइएगा, ऐसा प्रश्न देख के कितने बच्चे इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, तो बच्चे घबराते हैं, बच्चों ने प्रॉपर्टी सब पढ़ी रही हुई है, आप सबने भी पढ़ी हुई है, पर बहुत कम बच्चे इसमें एंटिसिपेट करते हैं यानी कि इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करिए, देखिए ये पहली बात तो प्रश्न खुद से कुछ चीख चीख के बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए सर मैं किसी का क्यूब हूं, मैं किसी का घन हूं, तो अगर ये किसी का घन है तो हमें भी वैसे ही देखना है चीजों को, कैसे देखना है, ये किसी का घन है, क्या ये भी किसी का घन हो सकता है क्या, सोच के देखिए, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिएंगे अगर हम, तो इतना तो हम सब जानते हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है, तो 0.3 का क्यूब क्या होगा, 0.027 होगा, 0.027 होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.3 का क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूं, 0.3 का क्यूब। अब मुझे क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ये ए बी कैसे आया सर, हमें कैसे मालूम, ध्यान से देखिए, अगर 7.03 इंटू 0.3 करेंगे तो क्या आएगा, मैं बोलता हूं चलिए ये नहीं आता हमको निकालने सर, ये तो बहुत टफ है निकालना, कुछ टफ नहीं है, सारी चीजें दिमाग में है। देखिए 7.03 और 0.3 नहीं निकाल सकते, पर 703 इंटू 3 तो निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर ये तो निकाल सकते हैं, यानी कि 700 को 3 से गुणा की कितनी आई 2100, 3 गुणा की कितनी आई 9, तो ये क्या हो गया 2109। अब अगर अपनी जान आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो 3 जगह पहले आपको बिंदु लगा देना है, तो आपको मालूम है कि 7.03 और 0.3 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, यानी गुणा क्या आएगी 2.109। तो अब ये चीज बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गई आपकी ए क्यूब, ये हो गई आपकी बी क्यूब, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर और ये हो गया आपका ए बी। अब मुझे बताइए यहाँ पे आपके लिए ए क्या है 7.03, बी क्या है आपके लिए 0.3। अब मुझे बताइए क्या मुझे या हम सबको एक यहाँ पे आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी लगती हुई दिखाई दे रही है, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही अभी हमने पढ़ा था, ध्यान से देखेंगे अगर फर्स्ट स्लाइड में, ये देखिए यही चीज हमने पढ़ी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस प्रश्न अपना लग गया, यानी कि अपन आ गए यहाँ पे, ये देखिए, तो ये चीज नीचे क्या दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखिए ये खुद कटने के लिए लिखा हुआ है, ये खुद कटने के लिए आया है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया नेट, ए माइनस बी, यानी कि 7.03 माइनस 0.3, ये आ जाएगा आपका उत्तर 6.73, 6.73। अब इतना लिखना इसीलिए पढ़ रहा है कि मैं आपको समझा सकूं, जब हमारी अभ्यास इतनी हो जाएगी, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, तो आपको पेपर में इतना लिखना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप ये चीजों को विजुअलाइज करेंगे और तुरंत आंसर लिखेंगे। मेरे ख्याल से 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मैं 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ये तो हमारे सब भाई बहनों को ये चीज समझना है, इसीलिए लिख के बताया जा रहा है। ठीक है, ये सारी भी कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप चुटकियों में करोगे, क्या हम कैलकुलेटर का कहीं यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी नहीं करना है, बस चीजों को जल्दी जल्दी समझते हुए चलना है। अब जैसे ये प्रश्न देखिए,
0.4x प्लस 1/x, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फेवरेट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन फेवरेट होते हैं, पेपर में आने के लिए बहुत लाइकली चांस होते हैं इसके। ध्यान से देखिए, अगर इसकी इक्वल टू 5 दी हुई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.64x³ प्लस 1/x³। अब समझने की कोशिश करिए, पहली बात तो ये फिर से कुछ चीख चीख के बोल रहा है, हमको इसकी चीख सुननी है, इसकी पुकार सुननी है। कैसे सुनेंगे, ध्यान से देखिए, यहां x दिख रहा है, यहां x क्यूब दिख रहा है, यहां बटे में x दिख रहा है, यहां बटे में x क्यूब दिख रहा है, यानी कि ये बोल तो रहा है कि भाई तुम घन करो, यानी कि क्यूब व्यूब निकालो इधर। उसके बाद और मेरे को खुशी किस बात की हो रही है कि यहां पे 4 दिख रहा है, यहां पे 64 दिख रहा है, ठीक है, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64, और आपको मालूम है कि 0.4 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 0.064। तो ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई। अब यहां पे हम कैसे करेंगे काम, ध्यान से देखिए, अब अगर मैं इसे मान लू ए, मैं इसे मान लू बी, तो कोई हर्ज है नहीं, तो यानी कि हमें क्या दिया है, ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो गया, 0.4 का क्यूब कितना हुआ, 4 का क्यूब कितना हुआ 64, तो 0.4 का क्यूब कितना हुआ 0.64। तो ये चीज क्या है, ए क्यूब, ये चीज क्या है, ए क्यूब, क्योंकि 0.4 का भी यहां पे क्यूब दिया है, एक्स का भी यहां पे क्यूब दिया है, ठीक है। ये चीज क्या हो गई, बी का क्यूब, यानी 1/x का क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी आपको गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा आपके लिए ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी ए प्लस बी। यही चीज हमने पढ़ी थी, ध्यान से देखिए, यहां पे ही पढ़ी हुई है, ये हमने पढ़ा था, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था, उसी में से हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यही रहने दिया, बाकी चीज को इस तरफ भेज दिया, यही वाली चीज ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यही रहने दिया, बाकी चीज को उस तरफ भेज दिया। होगा क्या, आप इससे ध्यान से देखिए, अब होगा ये इससे कि हमारे लिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों कि ए प्लस बी हमें ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 5, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 माइनस, क्या ए प्लस बी फिर से यूज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये 3, ए बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, ये हमें मालूम है। ए बी कितना होगा, ध्यान से देखिए, कटने वाले नंबर है, कटने वाले नंबर मतलब अगर ए आपका 0.4x है, बी आपका 1/x है, तो ए बी तो बहुत आसान है, यानी कि यहाँ x मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ बटे में है, तो x और x कट जाएगा, यानी कि ए बी जब आप निकालेंगे तो 0.4x इंटू 1/x x x कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बी की वैल्यू है 0.4, ठीक है, ए बी की वैल्यू है कितनी 0.4, तो 5 इंटू 0.4 कितना हो गया 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो ये पूरी चीज तो 6 है, ये पूरी चीज तो 6 आ रही है, 125 में से अगर 6 कट जाएगा कितना आएगा 119, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 119 आपका, माफ करिएगा, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 119 हमारा यहाँ पे आंसर है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी हमें समझने आया होगा बहुत आसानी से, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक जो हमने 5-6 प्रॉपर्टियां पढ़ी है उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन तुरंत तुरंत लगाए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें a प्लस बी गिवन था, इसीलिए हमने कोशिश करी इसको ऐसे फर्मे में डालें जो चीज हमें पता है उसी को सीधा लगा दिया जाए, ठीक है, चलिए बेहतर। अब इस प्रश्न को देखिए, 70³ प्लस 20³ माइनस 90³, बहुत आसान, पेपर में पूछे जा रहे हैं ऐसे ऐसे प्रश्न है ये सब, ऐसा भी नहीं है कि पेपर कहीं क्वेश्चन बुक से निकाल के लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है सब, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात, इतने बड़ी वैल्यूज को तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो कुछ तो यहाँ पे प्लॉट है, यानी कि कुछ छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस क्यू लिख दिया आपने, ध्यान से देखिए, क्या आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, पहले तो आप मेरी ये बात को समझिए, आप बोलेंगे हाँ सर ये तो 70, 20 माइनस 90, ये तो बिल्कुल जीरो दिख रहा है, क्योंकि 70 और 20 का जोड़ कितना हुआ 90, 90 में से 90 घट गया, क्या बचा 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है आपके लिए कि यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है आपकी 70, b की वैल्यू आ रही है आपकी 20, और c की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 90, c की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 90। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस माइनस 90 का क्यूब प्लस माइनस 90 का क्यूब, क्योंकि प्लस और इंटू माइनस तो माइनस ही होता है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, इफ
तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है 3abc। क्योंकि हमें हमने क्या देखा था यहां पे बहुत आसान तरीके से देखा था कि जब भी a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ये जो दायां वाला हिस्सा था ये पूरी तरीके से जीरो हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जीरो की गुणा किसी से भी हो जीरो बना देगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो लिखा था तो हम अपनी आसानी के लिए क्या कर रहे थे इस माइनस को इस तरफ लेकर जाके 3abc से सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो बस वही चीज करनी है दोस्तों, कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है। यहाँ पे भी वही करेंगे कि अब हमें मालूम है कि a की वैल्यू कितनी है 70, ये चीज हमें निकालनी है तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3abc, तो 3 × 70 × 20 × −90। सबसे पहले तो देखिए आपका आंसर इसको देखते हुए जीरो तो नहीं आ रहा है, इसको आप काट दीजिए। आंसर आपका नेगेटिव में आना चाहिए, इसको काट दीजिए। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों बोल रहा हूं ऑप्शन सी, देखिए नंबर्स के साथ दोस्ती करिए, ट्रिक है हर जगह आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट भी करनी है। कैसे होगी वो अभ्यास से होगी। तीन तो जीरो दिख रहे हैं तो 3 0 तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 3 × 7 से, 7 × 2 से × 9 से, ठीक है। आंसर आपका माइनस में रहेगा इसके कारण। और क्या हो रहा है यूनिट डिजिट निकाल दीजिए, यानी कि 3 × 7 × 2 × 9, यानी कि 9 × 2 = 18, 8 × 7 = 56, 6 × 3 = 18। तो यहाँ पे जो भी यूनिट डिजिट आएगा जीरोस के बाद वो क्या आएगा 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो सब जीरो जीरो दिख रहे थे तो ये भी गलत हो गया। इसीलिए तुरंत आपको देखना है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेपर में और कोई भी नहीं करने वाला, तो हमें भी वो गलतियां नहीं करनी है जो बाकी कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, हमें इतना समय नहीं मिलेगा, ये तुरंत हमको ऐसे पहुंचना है, ठीक है। और हर जगह सिर्फ लॉजिक को अप्लाई करके पहुंचना है, ऐसा नहीं है कि कुछ रट के जाना है। तो आई होप ये वाली चीजें धीरे धीरे अब समझने आने लग रही है। चलिए आप लोग के लिए एक लास्ट प्रश्न और लेते हैं, ठीक है, फिर आपसे भी अलविदा लेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 8। तो वैल्यू बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की। पहली बार फिर से ये कुछ चीख चीख के बोल रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वैसे होता कितना है a प्लस बी प्लस सी, इसके बाद ए स्क्वायर सर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को तो हमें दिखता है कि यहां पे ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, ये वाली चीज सेम ऐसी ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमें a प्लस बी प्लस सी दिया है, बिल्कुल दिया है, ये तो 7 के बराबर दिया है। क्या हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है, बिल्कुल दिया है, ये किसके बराबर है, ये आपका है 8 के बराबर। पर हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं दिया। पर क्या निकाला जा सकता है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 times एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो अभी हमने पढ़ा था, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही चीज से तो आप ये निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे को पता है कितना दिए 7 दिए, तो ये चीज कितनी हो गई 7 का वर्ग करो 49। यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है 2 times एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के, ये चीज भी दे रखी है बहुत ही आसानी से दे रखी है, तो 2 × 8 यानी कि कितना हो गया 16। तो ये चीज जो हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तरह लिख रहे हैं, पर ये बात समझने आनी चाहिए। तो ये 49 में से 16 क्या कितना बचा 33, तो इसकी वैल्यू क्या है 33, यहाँ पे 33 है। तो बस आपका उत्तर आ गया, आपका उत्तर क्या है 7 × 33 − 8, 33 − 8 = 25, तो आपका उत्तर आना चाहिए 175, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए से लग रहा है दोस्ती यारी ज्यादा हो गई है, ठीक है, अमूमन हर जगह ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, इनमें हमें 30-35 सेकंड से ज्यादा जाए नहीं करने हैं, प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि ये चीजें बनती चली जाए। रटना कम है समझना ज्यादा है, रटना कम है समझना ज्यादा है। तो आई होप यहाँ पे चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने आई है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं, स्पीड मैनेज कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप बिल्कुल हमें रीच आउट करिए, हम उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।